हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में टाइम्स पढ़ा था। अब हम डे ऑफ वीक इसको स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो, डे ऑफ अ वीक, वी नो नाउ दैट हम जानते हैं कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू कितना होता है 1 मिनट, और 60 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है 1 सेकेंड। वो सॉरी, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, और 24 आवर इज इक्वल टू 1 डे, और 7 डे इज इक्वल टू अ वीक। 60 सेकेंड में 1 मिनट होती है, और 60 मिनट में 1 घंटा, 24 घंटे में 1 दिन, और 7 दिन में 1 हफ्ता। ठीक है, तो 7 डे मेक अ वीक। 7 डे क्या बनाते हैं? वीक बनाते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग आर द डे ऑफ अ वीक, जितने भी सारे वीक हैं डे के। फर्स्ट डे कौन सा होता है? फर्स्ट डे ऑफ द वीक संडे। पहला दिन हफ्ते का कौन सा होता है? संडे। सेकंड डे ऑफ द वीक मंडे। थर्ड डे ऑफ द वीक ट्यूसडे। फोर्थ डे ऑफ द वीक वेनसडे। फिफ्थ डे ऑफ द वीक थर्सडे। सिक्स डे ऑफ द वीक फ्राइडे, और सेवन्थ डे ऑफ द वीक सैटरडे। ठीक है, ये होते हैं हमारे 7 डे, और जी ऐसे ही राउंड होते रहते हैं। हर आफ्टर सन सैटरडे, और फिर संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, ऐसे ही घूमते रहते हैं इस सर्कल। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट देखो, विच इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। लास्ट डे कौन सा था हमारा? सैटरडे। कौन सा था? सैटरडे ऑफ द वीक। विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे? सैटरडे से पहले, सॉरी बाद में, कम्स आफ्टर सैटरडे से पहले बाद में कौन सा दिन आता है? संडे। सॉरी, ट्यूसडे से पहले कौन सा दिन आता है? मंडे। विच इज द थर्ड डे ऑफ द वीक? तीसरा दिन कौन सा होता है वीक का? ट्यूसडे। विच डे कम्स बिटवीन टू थर्सडे एंड सैटरडे? थर्सडे और सैटरडे में कौन सा दिन आता है? फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक? फोर्थ डे कौन सा होता है वीक का? वेनसडे। विच डे कम्स आफ्टर मंडे? मंडे से बाद कौन सा दिन आता है? ट्यूसडे। सिक्स डे ऑफ द वीक फ्राइडे। विच डे कम्स बिफोर ट्यूजडे? ट्यूजडे से पहले कौन सा दिन आता है? मंडे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मंथ ऑफ इयर्स को स्टडी करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कैलेंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।